देखिए दोस्तों, 2020-23 के जो छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग में थे कि सर ये बताइए कि 20-23 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म के लिए जब डॉक्यूमेंट हम लोग, जैसे कि परीक्षा फॉर्म हम लोग ऑनलाइन भर चुके हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाएंगे कॉलेज में, इसके लिए आज की इस वीडियो में ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। ऑनलाइन भरे गए परीक्षा पत्र की प्रिंट कॉपी और पंजीयन रसीद की छाया प्रति, ठीक है, उसके बाद नामांकन रसीद की छाया प्रति और इंटरमीडिएट का अंक पत्र, साथ ही साथ इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र भी लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरोगे उसकी आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर पंजीयन आपने, आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी का जीरोक्स करवा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका एडमिशन हुआ होगा, एडमिशन पार्ट वन में उसका रसीद आपके पास होगा उसका रसीद का कॉपी करवा लीजिएगा, और इंटरमीडिएट का अंक पत्र एंड प्रवेश पत्र भी ले लीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, ये सभी डॉक्यूमेंट को जीरोक्स करवाकर ले जाकर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है कि सर मेरे कॉलेज में 2000 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेरे स्कूल कॉलेज में जो है 1500 लग रहे हैं। तो देखिए, जो 1500 लग रहा है, 2000 लग रहा है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो 2000-1500 रुपये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर आपका सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज में देखिए 420 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 420 से 450 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, TDC पार्ट वन 20-23 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक प्राथम खंड प्रतिष्ठा परीक्षा 2021 का परीक्षा पत्र भरने हेतु निम्नलिखित कागजातों को संकलन करना आवश्यक है। ठीक है, देखिए नोट नंबर वन स्टेप समझिए, स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण एवं प्रमोटेड छात्रों के लिए परीक्षा पत्र भरने की तिथि का निर्धारण बाद में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद सेकंड बार क्या बोल रहा है, दूसरा, परीक्षा पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 20/6/2022 को 3 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा पत्र भरने की तिथि जो है 20 तारीख तक निर्धारित किया गया है, 3 बजे तक। ठीक है, आप लोग 20-23 के जितने भी छात्र हैं, 20 तारीख तक जो है आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, 3 बजे तक। उसके बाद परीक्षा पत्र भरने हेतु छात्र छात्राओं का स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है। ठीक है, सभी छात्र छात्राएं COVID-19 के मानक निर्देशों का अनुपालन करते हुए महाविद्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है, देखिए महाविद्यालय में जब तक आप फॉर्म को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाएंगे, तब तक आपका जो है एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा पत्र फॉर्म का सत्यापन कार्य संबंधित विभाग के शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्राचार्य के आदेश अनुसार यदुनंदन महाविद्यालय दिगवारा में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो को अपने अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। ये नया मैसेज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से निकल कर आया है, ये कैसा है नीचे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।